जौरा विधानसभा के उपचुनावों को लेकर राजनीतिक हलचलें तेज हो गई है, जिसके चलते जौरा विधानसभा के कैलारस में स्थित नेहा लॉज में सकल जाटव समाज के प्रबुद्ध जनों ने एकत्रित होकर एक बैठक ली, जिसमें जाटव समाज के लोगों एवं वृद्ध जनों ने विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की। चर्चा के दौरान सभी ने एक राय होकर सर्वसम्मति के आधार पर निर्णय लेकर प्रस्ताव पारित किया। आगामी विधानसभा के उपचुनाव के मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी दलित विचारक गांधीवादी नेता भानु प्रताप सिंह सिकरवार को विधानसभा उम्मीदवार बनाया जाए तो सकल जाटव समाज, जिसकी जौरा विधानसभा क्षेत्र में अनुसूचित जाति की कुल आबादी 19.69% में से 37,000 से अधिक मतदाता के रूप में मतदाता सूची में नाम दर्ज है, कांग्रेस पार्टी को अपना पूर्ण समर्थन एवं सहयोग प्रदान करेंगे। भानु प्रताप सिंह सिकरवार को आगामी उप निर्वाचन में चुनाव जिताकर विधानसभा में पहुंचाने का संकल्प लेते हैं, जिसका समर्थन समस्त जाटव समाज ने हाथ उठाकर लिया और निर्णय में बैठक की सूचना मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को देने को किया। अतः सकल जाटव समाज की बैठक में लिए गए निर्णय पर अमल करना कांग्रेस पार्टी का जाटव समाज के प्रति सद्भावपूर्ण एवं साहसी कार्य होगा। इस अवसर पर कांग्रेस से टिकट में प्रबल दावेदार भानु प्रताप सिंह ने कहा कि भाजपा लगातार जाटव समाज की उपेक्षा करता चला रहा है, लेकिन उपचुनाव में लड़ाई राजा और रंक की है, हमें जी जान से लड़ना है। मेरी प्रतिबद्धता आपका सम्मान है, जिसके लिए मुझे आप सभी का आशीर्वाद चाहिए, ताकि दल बदलू राजा को प्रजा की ताकत का अंदाजा हो जाए, तभी हम सभी के सम्मान की रक्षा हो सकेगी। साथ ही उपचुनाव में कांग्रेस को विजय बनाए, जिससे कमलनाथ की सरकार फिर से प्रदेश में आ सके। मैं जोरा से बिलोंग करता हूं, बाबूजी कह रहे थे वो बहुत अच्छी बात है, सही कह रहे हो। मेरी कार्यकारिणी में भाई साहब चाचा बैठे हुए हैं, चाचा जब मीटिंग है इसमें ये रही है कि सांप्रदायिक जो शक्तियां उनको उखाड़ फेंकने का आह्वान किया गया है, एवं जो अपने बूथ हैं, बूथ लेवल तक बूथ कमेटियों को मजबूत करना है, एवं जाटव समाज ने ये ठहराव प्रस्ताव पास किया है कि भविष्य में अगर हम कांग्रेस को वोट करें तो हमारे लिए हर तरह से तैयार रहेंगे। तो हमने उनको आश्वासन दिया है कि कांग्रेस आपके लिए पहले भी थी, आज भी है और भविष्य में आपका सहयोग करती है। एवं एक बात और निकल के आई है कि 2 अप्रैल वाले जो प्रकरण दर्ज हुए हैं उसमें कि अभी तक उन पर क्या किस वापसी नहीं हुई है, तो हमने उन लोगों को बताया कि कांग्रेस अपनी कार्रवाई शुरू कर दी थी और लेकिन केस वापस होने के लिए पूरी प्रस्ताव तैयार हो गया था जब तक कमलनाथ सरकार गिर गई और जो सामंतवादी शक्तियाँ हैं उन्होंने ये केस वापस नहीं होने दिए हैं। अगर कमलनाथ सरकार रहती तो इन लोगों के किस वापस होते। एवं एक बात और निकल के आई है कि जो दलित समाज का वोट है, जो कि बहुजन को करते थे बीजेपी भराने के लिए, वो कांग्रेस को वोट करेंगे, जिससे कि उन्होंने ये सभी एकजुटता से अपने लोगों से आह्वान किया कि हम कांग्रेस को वोट करें, जिससे कि हमारे वोट की गिनती हो और हमारा भविष्य सुरक्षित रहे।